हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज से डी स्टडी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमकॉम पार्ट वन का कॉस्टिंग। देखिए स्टूडेंट, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप आपके फ्रेंड ग्रुप को शेयर कीजिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टॉपिक रहेंगे वो मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं एमकॉम का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। कॉस्टिंग का ही ये टॉपिक। कॉस्टिंग में चार लेसन है, जिसमें फर्स्ट लेसन का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। बट बिफोर दैट आपका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते। योर एग्जाम्स विल बी फॉर 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स विल बी योर इंटरनल एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए पहले प्रीवियस, मतलब ये जो कोविड नहीं था उसके पहले जब एग्जाम्स होते थे 100 मार्क का एग्जाम होता था, नो इंटरनल असेसमेंट। बट फ्रॉम दिस ईयर आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ऑप्शन दिया गया है। मतलब आप इंटरनल एग्जाम्स 40 मार्क्स का दोगे एंड एक्सटर्नल एग्जाम्स आप 60 मार्क्स का दोगे। इंटरनल का पेपर पैटर्न भी आपको आपके जो यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है। एक्सटर्नल का भी पेपर पैटर्न हर टॉपिक का कितना क्या क्या आने वाला दिया है। 15-15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 15-15-15-15 चार क्वेश्चन, 60 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक है, चार टॉपिक है, 15-15 मार्क का हर टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा। अब उसके अंदर लोग ऑप्शन दे सकते हैं 7-8 7-8 या पूरा 15 मार्क्स। ठीक है, क्लासेस में आई विल बी टेकिंग ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। थियोरी की गाइडेंस चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। एमकॉम में आगे थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करना पड़ेगा। गाइडेंस पर्पस वी विल बी प्रोवाइडिंग, बट जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जितने इस सेमेस्टर में आपको एक ही है कॉस्टिंग, पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ टॉपिक्स जीनल मिस लेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं लूंगा, 90% टॉपिक मेरे से कवर होने वाले, एक दो टॉपिक रहेगा तो वो जीनल मिस करवा देंगे। ठीक है क्या, पक्का? चलिए फिर जिसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। द वर्ड मार्जिनल मीन्स वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब जितना यूनिट होगा उसके हिसाब से खर्चा आएगा। ये खर्चा फिक्स नहीं होता है। मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैंने सैलरी दिया है, फिक्स कर दिया है, बट वेजेस फिक्स नहीं होता है। वेजेस कितने आर जाओगे, आरली आपको पगार दे देंगे, कितना यूनिट बनाओगे, यूनिट के हिसाब से पगार दे देंगे, तो वेरिएबल होता है, उसे मार्जिनल कहते हैं। बट सैलरी इज ऑलवेज फिक्स। समझ में आया? तो हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग के बारे में, जिसके अंदर ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बट मैं कहता हूं अगर आपको ये आ गया तो आपका टॉपिक हो जाएगा। ये क्या है? ये तो फॉर्मेट आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, बट नहीं पढ़ा तो फिर से एक बार। सेल्स में वेरिएबल खर्चा माइनस होगा तो मुझे जो आएगा आंसर, यानी कि जो आंसर प्रॉफिट बोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स लेस वेरिएबल तो मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट जैसे कोई फिक्स एक्सपेंसेस होगा, माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इसे आप इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, बट शॉर्ट, पूरा कंप्लीट नहीं है, एक शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ये समझ में आया? एसवीसी फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। ये याद रखना है, ये फॉर्मेट बहुत काम आएगा। जो आपका टॉपिक चलने वाला कॉस्टिंग में वो कहीं ना कहीं कोई भी टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्ट तो हो गया होगा, तो इसलिए एसवीसी फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट याद रखना है। उसके अलावा कुछ फॉर्मुलेज है इस लेसन में जो आपको पढ़ना है। फॉर्मुलेज हो गए, काम खत्म हो गया लेसन का। इसमें सबसे पहला है P/V, जिसे कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये हमेशा परसेंटेज में आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, मतलब परसेंटेज। क्लियर है? तो पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है, डिवाइड करोगे परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है ऐसा सेल्स जहां पे कंपनी को
जीरो प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज बीईपी। अब इधर यूनिट्स भी है रुपीज भी है, तो हमेशा जब भी यूनिट है तो सीपीयू आएगा और रुपीज है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा। फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है जहां पे प्रॉफिट इज ऑलवेज जीरो, प्रॉफिट इज जीरो। आप कुछ भी सेल्स वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस करो, आंसर बाय डिफॉल्ट जीरो ही आएगा अगर आपने ब्रेक इवन सेल्स किया है। अगर ज्यादा किया है तो प्रॉफिट, कम किया है तो लॉस। मतलब मैं बोलता हूं कि मेरा ब्रेक इवन सेल्स है 10,000, तो इससे कम सेल्स होगा 9,000 होगा तो कंपनी को क्या होगा लॉस, इससे ज्यादा सेल्स होगा तो कंपनी को क्या होगा प्रॉफिट, बिकॉज यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अंडरस्टूड? मतलब जब भी ब्रेक इवन सेल्स ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस, और जितना है उतना ही सेल्स है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर हुआ? पक्का? यूनिट है तो सीपीयू, रुपीज है तो पीवी रेशियो, दो फॉर्मूला यूनिट रुपीज के लिए आता है। नेक्स्ट बढ़ते रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स। अब ये रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स इज दिस टेबल ओनली, या तो टेबल बनाओ या तो फॉर्मूला बनाओ, एक ही बात है। सेल्स फाइंड करना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा, और सेल्स फाइंड करना है। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ ही जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो आपको सेल्स तो मिल ही जाएगा। बात समझ में आया? यूनिट है तो क्या लिखना है सीपीयू, रुपीज है क्या लिखना है पीवी रेशियो। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू, फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। रुपीज है तो पीवी, यूनिट है तो सीपीयू। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट फॉर्मूला इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब एक कंपनी जो भी सेल्स करती है उसमें एक ऐसा सेल्स रहता है कि कंपनी के वाले में फ्यूचर में अपने को लॉस नहीं होगा, तो हम इसके लिए इतना सेल्स करके रखते हैं। मतलब जो भी एक्चुअल सेल्स है उसमें से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करो। मतलब ब्रेक इवन सेल्स, फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन सेल्स है 10,000, बट मैंने सेल्स कर दिया 11,000, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 1,000। एक्स्ट्रा सेल्स है ना 1,000, उसे आप क्या कहते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसमें भी यूनिट और रुपीज दोनों आएगा, तो एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। रुपीज यूनिट आता है ना, तो सेल्स का भी यूनिट दिया रहेगा, तो सेल्स यूनिट में ब्रेक इवन यूनिट माइनस होगा, रुपीज में रुपीज माइनस होगा। तो मैंने कंबाइन एक ही फॉर्मूला लिखा बिकॉज यहां पे कोई चेंजेस नहीं है। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक स्पेशल फॉर्मूला है, रेयर यूज होता है बट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। रेयर यूज होगा बट आपको ये याद रखना है। इतने फॉर्मूले हो गए, ये लेसन हो जाएगा, समझ में आया? इस लेसन में इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं। याद करने से बेटर है कंसेप्ट को भागना है, कंसेप्ट याद हो जाएगा, फॉर्मूलाज याद हो जाएगा, ठीक है? पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायर्ड सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चार चीजें देखने जाओ, टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, इसी टॉपिक में 50 फॉर्मूले है, इंटरनल बहुत फॉर्मूले है। सेल्स का फॉर्मूला, सेल्स इधर आ जाएगा, पीवी इधर चले जाएगा, तो सेल्स ऊपर आया तो फॉर्मूला क्या बन गया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो 100, सेल्स का फॉर्मूला। कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए भाई, सेल्स को इधर ले लो, पीवी इंटू सेल्स इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ऐसे घुमा फिरा के 50 फॉर्मूले बना देंगे लोग। बेसिक एक चीज मैंने बना दिया, इतना फॉर्मूला, इसके अंदर सब चीज फाइंड रहेगा, समझ में आ रहा है? चलिए स्टार्ट करता हूं। जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, टीवाई बीकॉम की टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूं, बट आप एमकॉम की बुक को, आपका जो यूनिवर्सिटी का उसको रेफर करना। क्वेश्चंस का मैं ये बुक रेफर कर रहा हूं, बट आप क्या करोगे, टीवाई बीकॉम के सम्स को रेफर करोगे, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी के बुक्स को रेफर करोगे। रीजन क्या है कि आपका जो पेपर सेट होगा ना, वो यूनिवर्सिटी के बुक से ही सेट होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सम्स आते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन रहेंगे सिमिलर रहेंगे, तो यूनिवर्सिटी के सम्स को प्रैक्टिस करो, मेथड मेरा अडॉप्ट करो बट सम्स उसके ले लो। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते। यहां पे पहला क्वेश्चन मुझे दिया है, द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना, और डेटा मुझे दिया गया है, बराबर है? चलिए देखते क्या क्या दिया डेटा में। सेल्स प्राइस पर यूनिट मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, यहां पे मैं कॉलम्स बना देता हूं, एक है यूनिट, एक है रेट पर यूनिट, एंड देन कॉस्ट।
हमेशा कॉलम ऐसे ही बनाना, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट। ओके चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। अपने को दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट तो यूनिट में लिखता हूं ₹20 और यूनिट ₹20 बराबर। उसके बाद क्या दिया था ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है 15, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रेट पर यूनिट बराबर। सेल्स में वेरिएबल माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, मुझे बराबर है। फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है फिक्स कॉस्ट 20,000, आगे कुछ भी नहीं दिया। और क्या फाइंड करने बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो बराबर है। फिक्स कॉस्ट पता है, हाँ जी, सीपीयू भी पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 5, तो मुझे जो ब्रेक इवन मिलेगा वो किस में मिलेगा, यूनिट में, समझ में आया। तो यहां पे मैं लिखूंगा फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 5, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट 4,000। तो हमने कितना यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट पे रखा है 4,000, क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ये चीज रुपीज में पूछा रहता, पूछा नहीं है, पूछा रहता, तो सबसे पहला मैं फाइंड करता पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम है, हाँ जी, सेल्स मालूम है, हाँ जी, इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो पीवी रेशियो आ गया 25%, क्योंकि मैंने पहले बताया ये परसेंटेज में होता है, क्लियर है। अब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, तो इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट है 20,000, कैलकुलेटर लेना वो आपको अलाउड है, तो 20,000 डिवाइड बाय 25, परसेंटेज का बटन दबाना तो आपको आ जाएगा 80,000। देखो आता है क्या, आएगा नहीं, कैलकुलेटर लाओगे तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वेरी गुड, देखो मानो चीनू करेगा ट्राई, गुड वन, 20,000 डिवाइड बाय 25% आया गया, तो आपको कैसे डायरेक्टली आ गया, कल किया इसके लिए नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है ब्रेक इवन पॉइंट कितना है एंड सेलिंग प्राइस कितना है, तो 40 × 20 कर लो 80,000 रुपीज, डायरेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन मेरे को एक्सप्लेनेशन देना था। यूनिट मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो रुपीज निकालना है तो डायरेक्टली निकाल दूंगा ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 20, 80,000, समझा, खेल है भाई, खेल समझना है और फिर खेलना है। तो पहला खेल समझ में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का, तो इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 4,000, सेलिंग प्राइस तो 20 ही रहेगा, तो 80,000 का सेल्स करेंगे तो इसको नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, अंडरस्टूड। क्रॉस चेक करना है तो भी कर सकते हो, 80,000 बराबर, यूनिट 4,000 है, 4,000 × 15 करो, 4,000 × 15 करो कितना आएगा 60,000, वेरी गुड, 80 − 60 कितना आएगा 20, 20 − 20 0, मैंने क्या बताया था ब्रेक इवन पॉइंट पे 0 प्रॉफिट आया ना, क्योंकि मैं इतना सेल्स करूंगा नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इससे ज्यादा सेल्स इससे कम सेल्स तो प्रॉफिट या लॉस, अंडरस्टूड। क्वेश्चन में पहला पार्ट क्लियर हो गया, अब क्या मोदी आगे पूछा है, आगे बोला है इफ सेल्स आर 20% अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड द प्रॉफिट। अगर सेल्स दिया है तो प्रॉफिट फाइंड करो, और सेल्स कितना होगा 20% अबाउ द ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कितना है 4,000 ले लो या 80,000 ले लो, रुपीज में करना है यूनिट पे करना है, अब आपके ऊपर है, हम यूनिट के हिसाब से जाएंगे क्योंकि हमने इसके पहले यूनिट ही लिया है ना, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यूनिट के हिसाब से जाता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन में यूनिट का इंफॉर्मेशन था, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। अब वो बोल रहा है जो भी तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना बढ़ाने बोल रहा है, 20% बढ़ाने बोल रहा है, तो 4,000 का 20% बढ़ेगा तो 800 बढ़ेगा, 20% 800 बढ़ेगा ना, अच्छा ठीक है चलो, तो अब मेरा सेल्स यूनिट कितना हो जाएगा, सेल्स यूनिट हो जाएगा 4,000 प्लस 800, तो कितना हो गया सेल्स यूनिट
4800 सेल्स यूनिट मिल गया, फिक्स कॉस्ट तो पता है, प्रॉफिट फाइंड करना है, सीपीयू भी पता है, तो यहां पे मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स 4800 यूनिट, फिक्स कॉस्ट 20,000, प्रॉफिट तो फाइंड करना है ₹5, सीपीयू 5 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बाजू आके, नीचे से ऊंचा होता है तो 4800 इंटू 5 करना है बराबर इक्वल्स टू 20,000 प्लस प्रॉफिट, भाई मेरे घर में आओगे साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 24,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू 4,000। समझ में आ गया सब, पक्का समझा है, इससे भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, तो भी प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, प्रॉफिट को कोई बदलाव नहीं है, आप अगर रुपीज से भी करोगे ना तो भी आंसर सेम है, यूनिट से करेंगे तो भी आंसर प्रॉफिट का तो सेम है। समझा, पक्का, कंप्लीट करो। स्टार्ट करते सेकेंड सम, फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इफ बजेटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट इज 4 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10। फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड कॉमा इफ प्रॉफिट इज रुपीज 20,000 एंड पीवी रेशियो इज 40%। बहुत कुछ दिया है इसके अंदर, पहले थोड़ा थोड़ा समझते, पहला पूछा है फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर है सेल्स इफ बजेटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट। क्वेश्चन में यूनिट दिया है, कितना यूनिट है, 80,000 यूनिट है, यूनिट ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है, बदलने वाला नहीं है, प्लस करो माइनस करो यूनिट नहीं बदलेगा, यूनिट विल बी सेम, 80,000 यूनिट बदलेगा नहीं, ठीक है। आगे क्या दिया, फिक्स कॉस्ट 4 लाख, फिक्स हमेशा फिक्स रहेगा, उसको यूनिट से कोई लेन देन नहीं है, कॉस्ट में ही चले जाएगा, बराबर। आगे क्या दिया है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, कितना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 20 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 10। चलिए ठीक है, मैं मेरा काम हो गया, 80 × 20 कितना, 1,60,000 या 16 लाख, 1,60,000 और 8 लाख ही ना, इधर 1,60,000 मेरे को लग ही नहीं रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, मैंने बराबर लिखा था 16 लाख, 16 में 8 जाएगा तो 8 लाख आएगा, 8 में 4 जाएगा, पूरा टेबल बन गया, तो इधर भाई 20 में 10। क्वेश्चन में बोला था फाइंड कंट्रीब्यूशन, कर दिया मैंने, कैसे फाइंड किया मैंने कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स था 20, वेरिएबल है 10, कंट्रीब्यूशन 10। चिंदिता अभी क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस यूनिट कुछ बोला है क्या, हम फाइंड करेंगे रुपीस में, सर ऐसा क्यों, क्योंकि डेटा रुपीस में दिया हुआ है ना पूरा, एवरीथिंग इज गिवन इन द कॉस्ट ना, यू कैन फाइंड, तो उसके पहले सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना दिया है मालूम नहीं सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है भाई, सेल्स कितना है, अब ऐसा लो या 8 लाख और 16 लाख चलेगा, सेम आएगा, स्मॉल अमाउंट लेके करो, बिग अमाउंट लेके करो, आंसर विल बी सेम इन टू 100, देयरफॉर पीवी रेशियो विल बी 50% शायद, कैलकुलेटर इले 9। कमिंग टुवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला सेज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, पीवी रेशियो है 50%, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा बताओ,
अब तो कैलकुलेटर लो यार, मेरे हिसाब से आ जाएगा 80,000 या तो 8 लाख, 8 लाख। डन। और क्या पूछा? फाइंड आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट इफ द बजटेड आउटपुट इज 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो एंड सो सेलिंग प्राइस वेरिएबल, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट फिर प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो इज 40, ये अलग अलग चीजें। तो अब मैं फाइंड करता हूं पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स? 16 लाख। व्हाट इज माय ब्रेक इवन सेल्स? 8 लाख। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? ये समझा? अभी बोला है इफ प्रॉफिट इज 20,000, अगर प्रॉफिट दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या पूछ रहा है? सेल्स। और पीवी रेशियो कितना लेने बोल रहा है वो? 40%। बराबर है? दो अलग चीज, प्रॉफिट दिया है, पीवी रेशियो दिया है, पूछा क्या है? कुछ नहीं, मतलब सेल्स। तो अब मैं आरओएस रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स का फॉर्मूला लिखूंगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स फाइंड करना है, आरओएस मतलब सेल्स ही है, तो सिंपल भाषा में लिख देता हूं सेल्स। फिक्स कॉस्ट कितना है जी? 4 लाख। प्रॉफिट दिया है 20,000 और पीवी रेशियो कितना लेने बोला है? समझ में आया? चलिए ठीक। देयरफॉर सेल्स विल बी 4,20,000 डिवाइडेड बाय 40%। कितना? हाँ, 105,000 और एक जीरो रहेगा, 10,50,000। बराबर है? तो हमारा सेल्स कितना आ जाएगा? 10,50,000। समझ में आया क्या? अभी भी बाउंसर है? पक्का 100% कंप्लीट। चलो प्रीवियस सम जो अभी हमने किया ना, उसमें जरा एक छोटा सा करेक्शन क्या है, सेंटेंस जो लास्ट वाला है पढ़ते, जो अभी मैंने अभी सम किया ना उसके अंदर, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड किया था बराबर, बट ये सेंटेंस उसी के साथ है, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट एंड पीवी इज गिवन टू यू। देखो एक स्पेशल फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने यहां पे, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट एंड पीवी इज गिवन टू यू। मतलब हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग सॉल्व किया, प्रॉफिट का कंसेप्ट अलग सॉल्व किया, ऐसे क्वेश्चंस आते, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बट उस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा सेंटेंस एक साथ ही था, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट एंड पीवी इज गिवन टू यू। तो अभी जो हमने 10,50,000 किया था वो कंसेप्ट अलग के हिसाब से, मतलब रिक्वायर्ड सेल्स के हिसाब से सॉल्व करके दिया है, अब मैं इसके हिसाब से उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएंगे, मुझे फाइंड क्या करना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मुझे प्रॉफिट तो पता है कितना प्रॉफिट है 20,000, पीवी रेशियो पता है कितना है 40%। देयरफॉर अभी देखो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या आएगा? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है? 20,000। पीवी रेशियो कितना है? 40%, विच इज एमओएस। देयरफॉर एमओएस विल बी 50,000। ठीक है, समझ में आया? वो सम के अंदर थोड़ा सा एक एडिशन करना, वो करना जो अपन ने किया वो करना ही है, उसके अलावा ये एडिशन कर देंगे। ठीक है, क्या बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सप्रेस एन अमाउंट ऑफ सेल्स इन रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000 पर ईयर। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल प्राइस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्ट्री सेलिंग फिक्स कॉस्ट दिया गया है। आपको क्या क्या पूछा गया है? ब्रेक इवन पॉइंट टू बी एक्सप्रेस्ड इन रुपीस पहला, फिर दूसरा नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर ईयर। दो चीजें, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट। देखो वही पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000,
मतलब प्रॉफिट दिया है, सेल्स पूछा है और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में पूछा है। क्लियर? सबसे पहला मैं टेबल को कंटिन्यू करता हूं। टेबल के अंदर क्या क्या है जरा देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, कितना दिया है 20 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, तो वेरिएबल में दो कॉस्ट है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, 11 और 3 कितना हो गया 14 वेरिएबल कॉस्ट। अरे समझा, तो 20 में से 14 माइनस होगा तो 6 कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, समझाइए। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया 5,40,000 प्लस 2,52,000 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7,92,000। बराबर कैसे आया, 5,40,000 प्लस 2,52,000। डन, और कुछ फाइंड करने की जरूरत है क्या? नहीं। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट किस में एक्सप्रेस करने बोला है, रुपीस में, और रुपीस के लिए पीवी रेशियो इज इंपॉर्टेंट, तो मैं फाइंड करूंगा पहले पीवी रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अगर ये रुपीज नहीं बोला रहा तो जो फर्स्ट सम अपन ने किया था रुपीज वाला, यूनिट वाला कर सकते थे। दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 6, सेल्स कितना है 20 इंटू 100। चलिए कैलकुलेटर पे फटाफट, 30% ठीक है। चलिए अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है 7,92,000, पीवी रेशियो कितना है 30%। फटाफट ब्रेक इवन पॉइंट कितना है भाई, 26,40,000 देख लो करके, किया 7,92,000 डिवाइड बाय 30%, ठीक है आ रहा है, आया ना, धन्यवाद। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, डन। बट क्वेश्चन में और एक चीज पूछा था, ROS रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट अपॉन सीपीयू लिखेंगे यहां पे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यूनिट में ही पूछा है, बराबर है। तो ROS का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। ROS फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट मालूम है 7,92,000, प्रॉफिट कितना है 1,60,000 पर ईयर अपॉन सीपीयू कितना है 6, समझ में आया क्या? तो भाई ROS कर लो प्लस, कितना आ रहा है यहाँ पे आपको आ जाएगा 9,52,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,58,666.66 राउंड ऑफ करके 67 कर देता हूँ ना, यूनिट नॉर्मली यूनिट पॉइंट में नहीं आता बट है तो आ गया, बस समझ में आया। तो ये आपका था यूनिट का आंसर, क्लियर हुआ, कंसेप्ट बैठा दिमाग में पक्का, ज्यादा नहीं, आज ज्यादा लोड देता नहीं बट इतना तो समझ में आया कि नहीं। पहला हमने बेसिक वाला सम किया था यूनिट वाला, उसके बाद उसी सम के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस वाला भी फाइंड किया, यूनिट बढ़ा के भी सॉल्व करके दिया, सेकेंड के अंदर पूरा कंप्लीट सम लिया, अभी वापस लिया बट अब रुपीज वाला ले लिया, ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।